लाशार लग चुके हैं। चुके हैं काउंटर है जो यहाँ पर टिकट लेते थे ऐसे कर। और आ गया ठीक है, आप देख सकते हैं हम जम्मू कश्मीर में आए हैं। यह जम्मू कश्मीर का रणबीर सिंह पूरा इलाका है। यहाँ भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जैसे आप देख सकते हैं स्टेशन है भारत का, सियालकोट से मतलब हिंदुस्तान की ओर जोड़ता है। यह रेलवे लाइन यहाँ से जाता है, आपको बताते हैं, चलिए आइए। ये इसका प्रवेश द्वार है और देख सकते हैं ये काफ़ी कूड़े करकट जैसे गंदा वंदा हो चुका है यहाँ पर। यह बहुत अच्छा था पहले, यह रेलवे स्टेशन है। चलो अंदर की ओर ले चलते हैं आपको। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हम सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाएंगे। एक ये द्वार है और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कूड़े करकट हो चुके हैं और टूट फूट गया है। ऊपर देख सकते हैं छतें जो पहले ज़माने में जो बनाए थे वो काफ़ी मजबूत था। वो अभी का लकड़ी देख सकते हैं आप, वहाँ ऊपर लकड़ी दिख रहा है आपको, ये वाला ये लकड़ी है। और यहाँ पर गार्डर लगे लोहे का, पहले ज़माने का जो चुराई हुआ था ये देख सकते हैं आप। और ये अंदर को दिखाते हैं, देखो पूरा ऐसा लग रहा है पूरा गंदा है, लेकिन यह यहाँ पर सरकार से दरख्वास्त है इसको अच्छी तरह साफ़ सफाई किया जाए और इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। यह जम्मू का देख सकते हैं आप दोस्तों, ये इसको दिखाते हैं आपको अंदर की ओर। देखिए अंदर में यह पहले का रेलवे स्टेशन का वो था, ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये पहले ज़माने का था, ये देखे और ये देख रहे हैं। उसके बाद आइए आप आगे का देख सकते हैं, और ऊपर छतें हैं। पहले का फ़र्क है, पहले जो ईंट था वो बहुत मजबूत था, जो आज की ईंट है वो ऐसी है, ये देख सकते हैं अब। वो पहले ज़माने का ईंट है बहुत मजबूती है, जो अभी का ईंट है वो पानी बारिश की वजह से वो घुल जा रहा है। आप देख रहे हैं ये वाला, ये पहले का लोहे का गार्डर, पहले जो ज़माने में था लोहे था वो काफ़ी मजबूत था। ऊपर देख रहे हैं आप ये गार्डर लगा हुआ है ना, ये वाला गार्डर, और आपको बता रहे हैं। और ये पहले जो टिकट था ना वो ऐसे कर कर ऐसे लेते थे, ऐसे कर कर यहाँ से लेते होंगे, अब पता नहीं है। पहले 130 साल पुराना है। उसके बाद ये दूसरा काउंटर है जो यहाँ पर टिकट लेते थे ऐसे कर कर। और आ गया, पहले जो है ना कंप्यूटर नहीं था, इसीलिए वहाँ पर जो स्कूल का बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, ये स्कूल का ब्लैक बोर्ड था। जैसे स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता है वैसे ये रेलवे का ब्लैक बोर्ड था। वहाँ उनके पास कंप्यूटर नहीं थे, इसीलिए कोई मतलब दस्तावेज फाइल विल में लिखे होंगे, यहाँ पर उतारते होंगे कौन सा रेल कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस टाइम पर जाने वाले हैं, उसकी टाइम टेबल जो बोलते हैं उसको ये लिखे हुए। ये पहले देखो अभी का जो ब्लैक बोर्ड, पहले का ब्लैक बोर्ड देखिए कितना स्ट्रांग है, अभी तक टूटा नहीं है। और जो अभी ब्लैक बोर्ड आ रहा है वो काफ़ी पानी की वजह से पपड़ी निकल कर वो ख़राब हो जाता है। ये पहले ज़माने का हमारे जो पूर्वजों ने जो बनाया हुआ है, जो हमारे ये काफ़ी स्ट्रांग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो पहले का लकड़ी था वो अभी तक मजबूत है। और वो देख सकते हैं वो जैसे खिड़की जैसे दिख रहा है आपको, ऊपर देखिए वो दिख रहे हैं खिड़की जैसे, और देख सकते हैं आप। और इस साइड को बताता हूँ जो इस साइड की ओर होते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं काफ़ी जड़ी सड़ी हैं। आप आए यहाँ पर रणवीर सिंहपुरा में तो आप दिन में ही आए यहाँ पर, रात में जाले साले सांप सूप का वजह से आपको खतरा है। ये देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन था हमारा, पुराना रेलवे स्टेशन है ये। और दिखाते हैं आपको इधर, और उसके बाद में फिर से इसको अंदर ले चलते हैं। ये देख सकते हैं जो हमारे पहले ज़माने का जो लोहे का था वो काफ़ी मजबूत था। लोहे दिखाता हूँ आपको, ये है लोहा जो वहाँ पर, ये लोहा था रेलवे का, वो आपको देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। और ये देखिए पहले ज़माने में ना मिट्टी से चुनाई होता था, अब तो सीमेंट आ गया है।
ये पहले का मिट्टी देखिए, जो इतनी बारिश की वजह से भी घुला नहीं है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी का चुनाई हुआ है। और दिखाते हैं आपको यहाँ पर, और कोई नहीं रहता इसलिए आस पड़ोस के लोग यहाँ पर गाय शाय को बांधते हैं और चरने जैसे खुद आते हैं चरने के लिए, खाने खुने के लिए जैसे। और इधर देख सकते हैं आप, इधर भी काफ़ी इधर है कूड़े करकट है। ये इधर भी एक बोर्ड है, इसे बनाया था पहले, पता नहीं चिमनी क्या है उतना तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये पहले की चुनाई हुआ, देखो कितना मजबूत था, अभी तक भी गिरे नहीं है। आपको ऊपर चढ़ कर बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ मना करते ऊपर चढ़नी होती। ये देख सकते पहले का दरवाज़ा, ये लोहा लगा हुआ है, ये पहले अभी तक लकड़ी सड़ा नहीं है, ये काफ़ी ठीक है। नहीं आपको ये देखिए, ये देखिए लोहा, एक और लोहा है। आपको बाहर को ले चलता हूँ, और एक देख सकते हैं आप ये यहाँ इस साइड देख रहे हैं आप, पूरा अगल बगल देख रहे हैं आप, यह पुराना रेलवे स्टेशन है। यही रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लेकिन अभी भी विवाद चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, लेकिन हमारे जो धरोहर है वो अभी भी याद दिलाते हैं हम एक थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये देख सकते हैं आप, पहले ज़माने का वो स्ट्रक्चर ये था, यहाँ पर सिग्नल मुड़ते थे। और बस देखने लायक उतना कुछ नहीं है, आप आए तो यहाँ से सांप काट सकते हैं आपको, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी जड़ सड़े हैं, तो आप दिन में ही आएँ। और ये देख रहे हैं, ये पहले ज़माने का ही गेट है ये देखिए। और इस बगल में है स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल। इसी से रेलवे ट्रैक चेंज किया जाता था पहले, ये अभी तक लोहा का है, इसी से ही पटरी को चेंज किया जाता था इधर उधर का। और देख सकते हैं यहाँ पर जड़ी शड़ी लग चुका है, ये वाला जड़ी शड़ी लग चुका है देख सकते हैं आप। और दिखाते हैं आपको पहले, ये अभी पर इसको ताला लगा दिया है, पता नहीं कब के जमाने का ताला लगा हुआ है, इसको ताला लगा दो इसके अंदर, पहले जमाने का टूट फूट गया, फिर भी जड़े सड़े बन चुके हैं देख सकते हैं आप। और इसी इस साइड से देख रहे हैं आप, काफ़ी गाड़ी चल रही है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वाला, धूप है काफ़ी फिर भी आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए आप, इसको यहाँ से बंद किए हैं आपको बता रहे हैं, बाकी ये पहले वही था जो आपको उधर से दिखाया था, ये बाहर का सीन है देख रहे हैं। आगे से 5 मीटर के और बस स्टैंड है जो देख रहे हैं आपको, यह हमारे भारत का धरोहर है। इसे है गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल लिखा है मिल एरिया, इसकी इस साइड में स्कूल है और यहाँ पर है रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन है। और इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा एक पुल है वहाँ पर, इसी लाइन को जोड़ता है वहाँ तक। बस इतना, आस पड़ोस के लोग घर बना दें इसीलिए इसका जो रेलवे ट्रैक था वो इसी ज़मीन के अंदर दब चुका है दोस्तों, बस ही और कुछ नहीं है। इसको सी से अच्छी तरह सरकार से दवाई दरख्वाइश है, इसको अच्छी तरह साफ़ सफाई किया जाए। और इस नाला है उसी के पास एक स्ट्रक्चर है, उसको मैं बताऊँगा आपको दोस्तों। आपको दिखाया था जो रणवीर सिंहपुरा का रेलवे स्टेशन, उसका दूसरा भाग ये है, यहाँ जो पहले का पुल था यही पुल है वो। आगे और चलते हैं, आ जाइए। ये पुल था पहले का, वो जमाने का पुल था जो रेलवे जब रेलवे स्टेशन था यहाँ पर रणवीर सिंहपुरा में, इसका दूसरा भाग ये है। इसी रेलवे ट्रैक से थोड़ा होकर इधर इसी पास रेलवे लाइन था, इसी में देख सकते हैं आप, ये है यही है ये वाला, इसको वही भाग है रेलवे का। अब यहाँ पर थोड़ा घर बना दिया है, अब ये देख सकते हैं ये वाला, उसके ही भाग है रेलवे का। ये पहले ज़माने का था जब ट्रेन चल रहा था आरएसपुरा में, मतलब रणवीर सिंहपुरा में। ये देख रहे हैं आप ये वाला, यहाँ आसपास घर बन चुका है, ये देख रहे हैं, ये काफ़ी नाला बन चुका है यहाँ पर। अरे वीडियो पर
बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।